23 महीने दे बच्चे लई अमरीका तो आया 17.5 करोड़ दा इंजेक्शन। पिछले 3 महीनों तो चल रही सी क्राउड फंडिंग। इस इंजेक्शन नाल मासूम नू मिलेगी नवी जिंदगी। तो दस दिए कि इस बच्चे का नाम हरदयांश है। तो यह रेयर डिजीज नाम की एक बीमारी तो पीड़ित है, जिसनों लैके पिछले 3 महीनों तो क्राउड फंडिंग चल रही सी, क्योंकि इस बीमारी का सिर्फ एक इलाज है जो कि एक इंजेक्शन है। तो यह अमरीका तो मिलता है, तो इसकी कीमत 17.5 करोड़ सी, जिसनों लैके DGP दे वलों लोगों को अपील की गई सी कि इस बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए वध तो वध फंडिंग की जाए। अते फिर लोगों दे वलों इस बच्चे की जान नू बचाने दे लई फंडिंग की गई। तो जदों इस इंजैक्शन दे पैसे पूरे हो गए तो अमरीका तो यह इंजैक्शन भारत आया, तो इस बच्चे नू लगाया गया। तो हुण उम्मीद है कि इस दे नाल इस बच्चे की जान बच जाएगी, जिस तो बाद इस दे मापियां दे चेहरियां ते भी खुशी दा कोई टिकाना नहीं सी। तां दस दिए कि बच्चा राजस्थान दा, जिथे कि यह एक बीमारी तो पीड़ित है, जिसनू लैके परिवार दे वल्लों लगातार इसकी जान नू बचाउण दी कोशिश की जा रही सी। तां डाक्टरां ने दस्या कि इसकी जान सिर्फ एक इंजैक्शन बचा सकता है, जो कि अमरीका तो मंगवाया जाएगा। तो इसकी कीमत 17.5 करोड़ सी। अते जदों इस संबंधी सूचना राजस्थान के DGP कोल पहुंचती है, तो उन्होंने वल्लों लोगों नू फंडिंग करन लई कहा जांदा है। तो 3 महीने की फंडिंग तो बाद यह इंजैक्शन स्पैशल अमरीका तो मंगवाया गया, तो इस बच्चे नू लगाया गया, तो हुण इस बच्चे नू नवी जिंदगी मिलेगी। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट रास्ता था जिसको हम तय कर पाए। इसके लिए पेरेंट्स ने बहुत मेहनत करी, पेरेंट्स और जो सगे रिश्तेदार हैं उन्होंने बहुत मेहनत करी, जो बच्चे के क्राउड फंडिंग पोर्टल के लिए जुटे रहे और धन एकत्रित करके ये लोग दवा को खरीद पाए। आज हम बहुत खुश हैं कि हम इस दवा को लगा पाए। इसके लिए बहुत ही पेपर वर्क, बहुत सारा कागजी कार्यवाही हमें करनी पड़ी, जिसको हम पिछले 2 से 3 महीने से कर रहे थे, और आज हम इस काम को सक्सेसफुली कम्प्लीट कर पाए और ये हम लोग दवा को शुरू कर पाए। डॉक्टर प्रियांशु, ये इंजेक्शन का मेथड कैसा होता है? क्या दूसरे इंजेक्शन की तरह से एक बार में दिया जाता है, या इसको जो है अलग अलग हिस्सों के अंदर दिया जाता है? ये इंजेक्शन जीन बेस्ड थेरेपी है। जीन बेस्ड थेरेपी का मतलब होता है कि हमारे जो शरीर में जीन का विकार है, ये उसकी थेरेपी है। तो उसमें जो नॉर्मल कॉपी होती है जीन की, उस कॉपी को वायरस के अंदर लोड करके बच्चे के शरीर में इंट्रावीनस इन्फ्यूज़न के थ्रू दिया जाता है। तो जब हम IV इन्फ्यूज़न से इस दवा को शरीर में डालते हैं, तो ये दवा जहाँ पे नर्व सेल वीक है वहाँ जा करके नर्व की नॉर्मल प्रोटीन का प्रोडक्शन शुरू करती है, प्रोटीन का प्रोडक्शन शुरू करती है। और ये प्रोटीन का प्रोडक्शन करके, जिसकी वजह से बच्चे के पाँव में कमजोरी हो रही थी, उसको कंपनसेट करने लगती है। धीरे धीरे ऐसा देखा गया है कि इससे बच्चे की स्थिति में सुधार होने लगता है। इस दवा को जिंदगी में अभी तक सिर्फ एक ही बार रिकमेंड किया गया, इसको एक ही बार देने की जरूरत पड़ती है। और कितना वक्त लगेगा हृदयांश के पूरी तरीके से ठीक होने में? सर, ये उम्मीद की जा रही है कि इसके अंदर कुछ दिनों में, 7 से 14 दिन में हमें सुधार देखना चाहिए, और धीरे धीरे करके उस बच्चे की जो मोटर पावर है उसमें और बेहतरी होनी चाहिए। डॉक्टर प्रियांशु माथुर जी के मार्गदर्शन में हमारे बच्चे को SMA की एक बहुत बड़ी बीमारी का जो इंजेक्शन लगा है, जो 17.5 करोड़ का है, हम सारी जनता जनार्दन, आप सभी ब्यूरो और गरीब से गरीब जिसने इस मुहिम में हमें सहयोग दिया है, उसका हम तहे दिल से, बहुत दिल की गहराइयों से इनका अभिनंदन करते हैं। और सबसे ज़्यादा ये जो मेरे दामाद हैं, वो जो पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर हैं, मैं सबसे अधिक पुलिस विभाग के बड़े अधिकारियों, आला अधिकारियों, जिन्होंने अपना बेटा समझ करके इस हृदयांश के लिए सहयोग किया, मैं उन अधिकारियों का जीवन में एहसास नहीं चुका सकता। और मैं उनके भगवान से दुआ करता हूँ कि इस मुहिम में दान करने वाले, सहयोग करने वाले और इसके लिए जो दुआ देने वाले हैं, उनको भगवान बहुत ही अच्छा आशीर्वाद दे। मेरी यही सबसे दिल से इच्छा है। और इन दवाइयों के साथ में मैं जनता जनार्दन और सभी अधिकारी, सभी मेडिकल्स विभाग से मैं निवेदन करता हूँ, आशा करता हूँ कि दवाई के साथ में इस बच्चे को स्वस्थ होने के लिए सबकी दुआएं
भगवान इनके लिए लगाए और इसके जीवन बहुत ही सुगम और अच्छा बीते और हमारे जीवन में बहुत बच्चा हमारा होनहार हो, बस मेरी इतनी सी हार्दिक निंदा है। भैया मेरा नाम नरेश कुंभज है, मेरी 6 बेटियां हैं और 6 बेटियों में से 5 बेटियों की शादी हो चुकी है और 5 बेटियां, मेरा बच्चा MBBS कर रहा है।